तो आज के इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें अगर कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं हो तो वहाँ पे रूल्स कौन से लगेंगे वो समझेंगे। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये भी समझेंगे, उसमें कोई रूल नहीं हो इसका मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे, उसमें रूल कौन से अप्लीकेबल होते हैं वो भी समझेंगे। तो सुनिएगा, पार्टनर्स के बीच में शुरुआत ही एक एग्रीमेंट से होती है, शुरुआत ही एग्रीमेंट से होती है, ये बात समझ लेना एक बार। इसका मतलब क्या वो समझो, दो पर्सन है, एक पर्सन दूसरे से कहता है कि चलो मिलके बिजनेस करेंगे, दूसरे का बिल्कुल चलो करते हैं। तो एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, ये हो गया दोनों के बीच में एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हुआ है कि मिलके बिजनेस करेंगे, ये एग्रीमेंट है, इसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। तो पार्टनर्स एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो मिलकर बिजनेस करते हैं। उस एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें तय होती है, शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा प्रॉफिट या लॉस का, पार्टनर्स की ड्यूटी क्या होगी, उनकी लायबिलिटीज क्या होगी, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कौन से लोकेशन में करेंगे, न जाने कितनी सारी बातें तय होती है। ये सब चीज़ें एक एग्रीमेंट के अंदर होती है। ये एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, ये पार्टनर्स की मर्जी है कि वो ओरली आपस में चीज़ें डिसाइड करें या रिटर्न में डिसाइड करें, मर्जी उनकी है। अगर पार्टनर्स ने जो आपस में एग्रीमेंट किया है, जो भी चीज़ें आपस में डिसाइड किए, अगर वो उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट उसका बना ले अगर, तो उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अगर पार्टनर्स ने जो जो रूल्स बनाए थे यानी जो जो एग्रीमेंट बनाए थे, चाहे वो ओरली हो चाहे रिटर्न हो, चाहे वो ओरली हो या रिटर्न यानी डीड हो, उन रूल को बिजनेस में अप्लाई किया जाएगा। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कब आती है, क्यों आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, अब वो सुन लो। होता यह है कि अक्सर पार्टनरशिप जो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना उनके बीच में होती है, किसी अननोन पर्सन के साथ जाके हम पार्टनरशिप नहीं करते हैं, जिसको जानते भी नहीं है उसके साथ जाके बोलेंगे चल 10 लाख रुपए मैंने निकाल तू कितने पैसे निकालता निकाल और मिलके बिजनेस करते, कल को वो लेके भाग गया तो, क्रिमिनल हुआ तो, किसी न जिसको जानते भी नहीं उसके साथ थोड़ी बिजनेस शुरू करेंगे। जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, एक दूसरे पे फेथ है हमारा, अक्सर पार्टनरशिप उन्हीं के बीच में शुरू होती है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, अच्छी फ्रेंडशिप है, शुरुआत उस टाइम होती है, तो अक्सर एक बात हो जाती है, वो ये होती है कि यार पार्टनरशिप है ना, क्या एक एक बात मिलकर डिसाइड कर रहे हैं हम, जब सिचुएशन आएगी प्रॉब्लम आएगी मिलकर डिसाइड कर लेंगे, तू जो बोलेगा वो मैं भी कर लूँगा, ऐसे करके बात होती है और बातें हम ढंग से डिसाइड करते नहीं पूरी बातें। और बाद में जब पैसा आता है, जब पैसा आता है प्रॉब्लम तो तब आती है, तब तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जब पैसा देखेगा उसके बाद अपने आप इंसान बेईमान बन जाता है। तो अक्सर ये होता है कि बाद बाद में सिचुएशन सामने आती है और उस समय पार्टनर्स मिलकर सोचते हैं कि क्या करें, कई पॉइंट्स पे तो वो आपस में मिलके सोचते कि चलो भाई ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे दोनों ने मिलके सोचा सॉल्व करेंगे वही उनका एग्रीमेंट बन गया, कैसे करना है दोनों ने कहा ऐसे करेंगे यही एग्रीमेंट है। लेकिन कई पॉइंट पर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, एक पार्टनर बोलता हम ऐसे करेंगे तो दूसरा पार्टनर बोलता हम वैसे करेंगे, तो फिर इस डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करें। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मेन पॉइंट पे, अब की पॉइंट पे आया हूं, आज के लेक्चर का जो मेन पॉइंट है उस पे अब आ रहा हूं मैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर यानी कि पार्टनरशिप फर्म के लॉ के अंदर यानी पार्टनरशिप के कानून के अंदर एक क्लॉज दिया हुआ है, वो क्लॉज है रूल्स अप्लीकेबल इन एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, जो भी बोल दो। अगर किसी पॉइंट पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पे कौन से रूल अप्लाई होंगे, वो रूल दिए हुए इस एक्ट के अंदर। वैसे तो रूल बहुत सारे हैं, हमको सभी रूल न पढ़ना है, ना हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में कुछ रूल है जो हमारे अकाउंट से कनेक्टेड है, सिर्फ उतना पार्ट हम पढ़ेंगे। तो
अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है तो आप रूल्स कौन से लेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला रूल देख लीजिए क्या है। तो पहला रूल है शेयरिंग रेशियो के बारे में। शेयरिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स ने आपस में शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया था और पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो रहा है, कोई पार्टनर बोलता है मैं प्रॉफिट ज्यादा लूंगा तो कोई पार्टनर बोलता है मेरे को सैलरी के नाम पर प्रॉफिट चाहिए, भाई जो भी प्रॉफिट है अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर लड़ाई हो रही है तो इक्वली डिवाइड होगा। ना आपकी स्किल देखी जाएगी, ना आपका एक्स्ट्रा डिवोशन देखा जाएगा, ना आपने कितनी कैपिटल लगाई है वो देखी जाएगी। किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट को नहीं देखा जाएगा। कोई पार्टनर बोलता है मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई थी, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। कोई बोलता है कि मेरी स्किल ज़्यादा है, मैं बिजनेस में ज़्यादा फिट होता हूँ, मेरी मेहनत से मेरी अक्ल से ये बिजनेस चलता है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। नहीं भाई, आपकी अक्ल आपके पास, आपकी डिग्री आपके पास, आपकी कैपिटल आपके पास, प्रॉफिट तो इक्वली डिवाइड होगा। किसी की कैपिटल है तो किसी का दिमाग है तो किसी की मेहनत है। इसलिए लॉ क्या बना कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो प्रॉफिट सभी में इक्वली डिवाइड होगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा। एग्रीड। दूसरा रूल है रेम्यूनरेशन के बारे में। दूसरा रूल है रेम्यूनरेशन के बारे में। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, फिर रूल क्या है फिर वो भी समझ लेना। पार्टनर्स को उनकी मेहनत के बदले जो दिया जाता है उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। पार्टनर्स को जो सैलरी देते हैं, पार्टनर को जो कमीशन देते हैं और कोई चीज देते हैं, बोनस देते हैं, ये सब उनकी मेहनत के बदले उनको मिल रहा है, इनको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। अगर एग्रीमेंट है तो दे देंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट है तो देना है और नहीं बोला है तो नहीं देना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर को सैलरी देनी है तो समझ जाना कि एग्रीमेंट है। बोलना जरूरी नहीं, अंडरस्टूडिंग एग्रीमेंट है जब तक क्लियर मेंशन नहीं हो कि एग्रीमेंट नहीं है। ठीक। फिर अगली बात पे आते हैं, इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के बारे में। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल ना मिलेगा, ना किसी पार्टनर से इंटरेस्ट एंड ड्राइंग लिया जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की एंट्रियां नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में बोला है, इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में बोला है, मतलब एग्रीमेंट है, मतलब एंट्री करनी है। जब तक क्लियरली मेंशन ना हो कि एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो ये एंट्रियां नहीं होगी, मतलब नहीं करेंगे अलाउ। अगली बात है इंटरेस्ट एंड लोन के बारे में। इंटरेस्ट एंड लोन के बारे में समझने के पहले एक बात समझ लेना, जब कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है या लोन देता है दोनों का मतलब एक ही होता है। जरूरी नहीं है कि एक पार्टनर ने बीइंग अ लोन फर्म को दिया हो, बीइंग एडवांस दिया हो तो भी बात एक ही मानी जाती है यहां पर। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि एक पार्टनर ने फर्म को एडवांस दिया था, बीइंग एडवांस दिया था, एडवांस कह के दिया था, और कोई पार्टनर बोलता है तुमने तो एडवांस दिया था, लोन थोड़ी दिया था जो तो इंटरेस्ट मिले, नहीं, लॉ के हिसाब से एडवांस और लोन दोनों को एक ही माना जाएगा और जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और लोन मिलेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। 6% नहीं बोल रहा हूं मैं 6% पर एनम बोल रहा हूं, यानी 6% एनुअली मिलेगा। एक साल का इंटरेस्ट 6% है। इसका मतलब यह हुआ कि महीनों के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। जब उसने लोन दिया होगा उस टाइम से ईयर एंड तक, यानी जब तक लोन दिया उतने टाइम का इंटरेस्ट देंगे। मान लो कि एक पार्टनर ने फर्म को 1 नवंबर को लोन दिया और 1 फरवरी को वो पैसे उसने वापस ले लिए फर्म से। एक पार्टनर ने फर्म को 1 नवंबर को लोन दिया और 1 फरवरी को वो पैसे उसने वापस ले लिए, तो उसने फर्म को कितने टाइम के लिए लोन दिया? 1 नवंबर से 1 फरवरी 3 महीने होते हैं। 1 नवंबर है इसलिए नवंबर काउंटिंग में आएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी। 1 फरवरी को पैसे वापस लिए इसलिए फेब का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फेब काउंटिंग में नहीं आएगा। तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 6% नहीं है, 6% पर एनम है वो। एग्रीड। एग्रीड सब जने का। तो थर्ड पॉइंट हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई पार्टनर फर्म की असेट या फर्म के कॉन्टेक्ट पर्सनल यूज में लेता है, वो भी अदर पार्टनर की परमिशन के बिना, कीवर्ड है अदर पार्टनर की परमिशन के बिना, ये कीवर्ड है इसके अंदर। अगर कोई पार्टनर फर्म की असेट या फर्म के कॉन्टेक्ट पर्सनल यूज में लेता है अदर पार्टनर की परमिशन के बिना, और ऐसे में अगर उसको प्रॉफिट होता है या उसको लॉस होता है, तो वहां पर रूल क्या लगेगा वो समझ लेना।
अगर उस पार्टनर को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों ही केस में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। आपने फर्म की असेट या फर्म के कॉन्टेक्ट पर्सनल यूज में लिए कैसे आपने? पनिशमेंट तो आपको मिलेगा, भले आपको प्रॉफिट हुआ तब भी पनिशमेंट मिलेगा, लॉस हुआ तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो उस पार्टनर को पनिशमेंट क्या मिलेगा, लॉ क्या है जरा सुन लीजिएगा। अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट ला के फर्म को देगा। कहने का मतलब, अगर उसने वहां पे प्रॉफिट कमाया है, फर्म के असे पर्सनल यूज में ली या फर्म के असे ले जाके उसे पर्सनली कहीं जाके यूज करी, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो लाकर सभी पार्टनर्स में डिवाइड करेगा, शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। और शेयरिंग रेशियो क्या है वो फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुके हैं। जो रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड करेंगे, अगर रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर वो पार्टनर बोलता है कि मैंने फर्म की असेट यूज करके प्रॉफिट जरूर कमाया, लेकिन उसमें मेरी मेहनत कितनी ज्यादा है, तो मैं प्रॉफिट सबको क्यों दूं, मैं रखूंगा अकेला, या सबको कम दूंगा मैं ज्यादा रखूंगा, भैया कुछ भी नहीं, आप फर्म के असेट यूज कैसे कर रहे थे, आपने करी होगी मेहनत, फिर भी प्रॉफिट सब में डिवाइड होगा, शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा, यही आपका पनिशमेंट है। देना है ना पनिशमेंट, पनिशमेंट इसी को देंगे, यही लॉ है। और अगर लॉस हुआ तो उस केस में उसको क्या पनिशमेंट देंगे वो सुन लो। अगर लॉस हुआ, अगर वो फर्म बियर करेगी तो फिर तो उसको पनिशमेंट कहां मिला, उल्टा उल्टा उसको फायदा हो जाएगा वो तो। तो अगर लॉस हुआ है तो वहां पर रूल ये लगेगा कि वो लॉस वो पार्टनर खुद अकेला बियर करेगा, फर्म बियर नहीं करेगी। लॉस हुआ तो वो बियर करेगा, प्रॉफिट हुआ तो सब में बांटना पड़ेगा, ये उसके लिए पनिशमेंट है। एग्रीड? तो हम पढ़ रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तो वहां पे रूल्स कौन से अप्लीकेबल होते। वैसे रूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में यानी हमारे जो इस साल अकाउंट है उससे कनेक्टेड जितने पॉइंट है सिर्फ उतने पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो अगला 6 नंबर रूल है इनसफिशियंट प्रॉफिट। ये इनसफिशियंट प्रॉफिट क्या होता है और इस केस में रूल क्या लगता है, ये दोनों बातें समझेंगे। पहले तो इनसफिशियंट प्रॉफिट का यहां पे क्या मतलब है वो समझाऊंगा। अगर पार्टनर्स को सैलरी देने का डिसाइड हुआ है, अगर पार्टनर को कमीशन देने का डिसाइड हुआ है, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देने का डिसाइड हुआ है, अगर पार्टनर को कुछ भी देने का डिसाइड हुआ है, जो जो चीजें पार्टनर्स को देने के लिए डिसाइड हुआ है, अगर उतना प्रॉफिट नहीं हुआ हो तो उस केस में क्या किया जाएगा। ये वो सिचुएशन है जब सफिशियंट प्रॉफिट नहीं हुआ है, और प्रॉफिट तो क्या लॉस ही हो गया, तब क्या करेंगे। मान लो, एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि 1 लाख रुपए से सैलरी देंगे ए को, 50,000 बी को कमीशन देंगे, और जो प्रॉफिट बाकी बचेगा वो शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। यानी कि 1 लाख तो ए को सैलरी मिलना ही है, शेयर प्रॉफिट में से 1 लाख शेयर तो ए को मिलना ही है, प्रॉफिट में से बी को 50,000 तो शेयर मिलना है बींग अ कमीशन। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट है। 1 लाख प्लस 50,000 तो टोटल होता है 1,50,000। यानी 1,50,000 मिनिमम प्रॉफिट तो फर्म को होना चाहिए, तभी तो 1 लाख एंड 50,000 दे पाएंगे। और अगर फर्म में 1,50,000 मिनिमम प्रॉफिट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, उससे कम हुआ, तो क्या करेंगे। ये वो सिचुएशन है जब प्रॉफिट सफिशियंट नहीं हुआ है, यानी इनसफिशियंट प्रॉफिट हुआ है। मान लो कि 90,000 प्रॉफिट हुआ है, इधर हमको 1 लाख एंड 50,000 मिनिमम देना ही है, बचा हुआ इक्वल बांटना है, तो इधर प्रॉफिट 90,000 हुआ है, तो क्या करेंगे। तो रूल है कि प्रोपोर्शनेटली देंगे। क्या रूल है कि प्रोपोर्शनेटली देंगे, रूल है कि प्रोपोर्शनेटली देंगे। तो इसका मतलब क्या, 1 लाख ए को सैलरी देनी है, बी को 50,000 कमीशन देनी है, तो इन दोनों का रेशियो 1 लाख एंड 50,000 का रेशियो क्या है, 1 लाख एंड 50,000 का शेयरिंग रेशियो का रेशियो क्या बनेगा, 2:1। इधर प्रॉफिट कितना हुआ है, 90,000, तो 90,000 को 2:1 में डिवाइड करो, 60,000 एंड 30,000, तो ए को 1 लाख की जगह 60,000 सैलरी दी जाएगी, बी को 50,000 कमीशन की जगह 30,000 कमीशन दी जाएगी। उनसे कहा जाएगा भाई सैलरी और कमीशन जो आपको मिल रहा है ये शेयर एंड प्रॉफिटी है, तो शेयर एंड प्रॉफिट तो उतना ही मिलेगा ना जितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था कि आपको 1 लाख देना है, एग्रीमेंट हुआ था कि आपको 50,000 देना है, लेकिन इतना प्रॉफिट होगा तो देंगे, क्योंकि पार्टनर को जो सैलरी मिलती है, पार्टनर को जो कमीशन मिलती है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो उतना ही मिलता है जितना प्रॉफिट होगा। एग्रीमेंट भी है तो उससे ज्यादा कैसे मिलेगा।
तो लॉ के हिसाब से एग्रीमेंट होने के बाद में भी उनको 1,50,000 न मिलते हुए जितना प्रॉफिट है उतना मिलेगा, रेशो में मिलेगा। पार्टनर्स के बीच में एक अगला पॉइंट ले रहा हूं, तीन पॉइंट लेने वाला हूं, पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा लूंगा। इसी पॉइंट को समझाने के लिए तीन एग्जाम्पल है, ये वन ले कमीशन और 50% कमीशन थी। दूसरा एग्जाम्पल है कि तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलना था, इसके अलावा मिस्टर ए को सैलरी और कमीशन दोनों मिलना था, मिस्टर बी को सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है, मिस्टर सी को इंटरेस्ट के अलावा कमीशन मिलना है। ये दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है, ध्यान दे के सुनना। मान लो कि एग्रीमेंट है कि तीनों को इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिलना है, एग्रीमेंट है कि ए को कमीशन एंड सैलरी भी मिलना है, बी को ऐसा कुछ नहीं मिलना है, सी को कमीशन भी मिलना है। तो इन ऑल ए को इंटरेस्ट मिलना है, कमीशन मिलना है, सैलरी मिलना है, बी को सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है, सी को इंटरेस्ट एंड सैलरी मिलना है, और ये सब मिलने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा सब एग्रीमेंट चल रहा था। अब ए को टोटल जितना मिलना है इंटरेस्ट सैलरी कमीशन मिलाकर, बी को जितना मिलना है, सी को जितना मिलना है, इन सब का टोटल करें तो उतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो क्या करेंगे? तो ए को टोटल कितना मिलना है कैलकुलेट कर लेंगे, बी को टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना है, सी को टोटल सब कुछ मिला है कितना मिलना है कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इन सबका रेशियो निकाल लेंगे, और जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट तीनों में डिवाइड कर लेंगे, और उतना उतना उनको दे दिया जाएगा। तीनों पार्टनर को कितना कितना मिलना है वो रफ में कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और उसका रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा, और अवेलेबल प्रॉफिट उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और पार्टनर्स को कह देंगे भाई इतना ही आपको मिलेगा, अब आप देख लो कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिला कि कमीशन नहीं मिला कि सैलरी नहीं मिला कि क्या चीज कितनी मिली, हमने आप तीनों के बदले में इतना दे दिया है, अब आपकी मर्जी हो तो आप जो मानना है वो मानो, क्योंकि जितना आपको देने का एग्रीमेंट था पर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट था, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो उतना ही मिल सकता है जितना प्रॉफिट हो, तो उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता, और अगर फर्म को लॉस हुआ है तो रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉस वाले केस में किसी को कुछ देना ही नहीं है, जो लॉस है वो सभी में डेबिट हो जाएगा, और सैलरी कमीशन बोनस किसी को देंगे नहीं। ये दूसरी बात खत्म हुई। तीसरी और मेन पॉइंट शुरू करूंगा, आप जो पॉइंट नंबर 7-6 चल रहा है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इसके बारे में तीसरा पॉइंट, इसके बारे में तीसरी बात बोल रहा हूं जो सबसे मेन है। मैंने आपको लेक्चर 2 में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ये कंसेप्ट समझाया था, लेक्चर 2 अगर याद नहीं हो तो उसको जरूर देख लेना, तब जाके अब ये जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं समझ में आएगा। तो अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, ये एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट में ये भी तय हुआ था कि बीइंग अ चार्ज देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, सिर्फ इतना ही तय हुआ हो तो भैया प्रॉफिट हुआ है तो देंगे, नहीं हुआ है तो नहीं देंगे, जैसे पहले बोला। लेकिन अगर एग्रीमेंट में एक और बात तय हुई है, और वो बात ये तय हुई है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर को देना है एज अ चार्ज, कमीशन देना है एज अ चार्ज, सैलरी पार्टनर को देनी है पर एज ए चार्ज की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो जो चीजें बीइंग अ चार्ज देना है, जैसे कि लेक्चर 1 में भी बात करी थी मैंने, लेक्चर 2 में जो चीजें बीइंग अ चार्ज पार्टनर को देनी है, तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट हुआ है कि नहीं हुआ है, जो चीजें बीइंग अ चार्ज देनी है वो देनी ही है, प्रॉफिट है कि नहीं है देना ही है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही एंट्री होगी। वैसे चार्ज, जो चार्ज होता है उसकी एंट्री तो पीएनएल अकाउंट में होती है, लेकिन पार्टनर्स को जो चीजें बीइंग चार्ज दी जाती है वो चार्ज होते हुए भी पीएनएल में न जाते हुए अप्रोप्रिएशन में आती है। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल का पार्टनर को बीइंग चार्ज देना है तो हम कैपिटल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे, भले प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो ये देखना भी नहीं है, जो चीजें बीइंग चार्ज देनी है वो सब देना ही देना है, और बाकी चीजें ये चार्ज काटने के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है बाकी चीजें उसके हिसाब से देंगे, रेशियो के हिसाब से देंगे। एग्रीड? इस पॉइंट को मैं, ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, इस पॉइंट को, ये पूरे पॉइंट को मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू भी समझाने वाला हूं, तो ये लेक्चर 4 चल रहा है, इसके बाद लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, ये तीनों लेक्चर देख लेना, आज के इस लेक्चर को न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा, ये पॉइंट वहां भी वापस से कवर करूंगा, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है पार्टनर्स के बीच में अक्सर कई बातें रोज होती हैं जहां पे उनको डिसीजंस लेने होते हैं,
जहां पर भी उनको डिसीजन लेने होते, तो अगर पार्टनर्स में मिलकर डिसीजन लेते हैं, अगर कहीं डिस्प्यूट हुआ है तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए दो रूल होते हैं, वो समझ लेना। क्या बात बोल रहा हूं उस बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देके सुन लीजिएगा। जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान देके सुन लीजिएगा। पार्टनर्स रोज ही कुछ न कुछ होता है, कैसे काम करना है मिलके डिसाइड कर लेते, जो एग्रीमेंट है उससे चलते, एग्रीमेंट नहीं है तो मिलके डिसाइड करते कि कैसे करना है। और अगर मिलके डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब अगर डिस्प्यूट हो रहा है, तो फिर वहां पे रूल क्या लगेगा वो समझ लेना। तो यहां पे दो दो रूल लगेंगे। पहला रूल एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में, सिर्फ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए ये रूल वहां बाकी जगह नहीं लगेगा। अगर किसी नए पार्टनर को एडमिशन देनी है और उसके बारे में पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ पार्टनर बोल रहे हैं कि नए पार्टनर को एडमिशन दो, तो कुछ बोल रहे हैं कि मत दो एडमिशन, तो वहां पे जब तक ऑल पार्टनर की कंसेंट ना मिल जाए, जब तक ऑल पार्टनर का एक्सेप्टेंस ना मिल जाए, तब तक नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता है, मतलब मेजोरिटी नहीं देखेंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर 10 पार्टनर है और 10 पार्टनर में से 9 पार्टनर बोलते हैं एक नए पर्सन को बीइंग न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिशन दिया जाए, और एक पार्टनर बोलता है कि नहीं दिया जाए, तो एडमिशन नहीं दिया जा सकता। 9 पार्टनर एक तरह, फिर भी एक अकेला पार्टनर एक तरह, वो अकेला पार्टनर जीत जाएगा, क्योंकि लॉ है कि जब तक ऑल पार्टनर की एक्सेप्टेंस ना मिले तब तक नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता। एग्रीड। लेकिन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को छोड़कर बाकी किसी मैटर पे अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट होता है और वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पे हमेशा मेजोरिटी देखी जाएगी। जो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स बोलेंगे वो काम किया जाएगा। 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर बोलते ऐसा करेंगे, 1 पार्टनर बोलते वैसा करेंगे, तो 2 पार्टनर जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी उनकी है। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आती है, अगर 4 पार्टनर हो और 4 में से 2 पार्टनर एक तरफ हो, 2 पार्टनर दूसरी तरफ हो, तब क्या करेंगे, क्योंकि यहां तो कोई मेजोरिटी है ही नहीं, तो वहां पे ये क्या करेंगे हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पर हां इतना बता दूं कि उस केस में कोर्ट जाओ, या तो मिलकर डिसाइड कर लो या कोर्ट जाओ। हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उस पॉइंट की डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आज हम पढ़ रहे थे कि अगर एग्रीमेंट में डिसाइडेड नहीं हो किसी पॉइंट पर कोई बात, वहां पे डिस्प्यूट हो गया हो, तो वहां पे लॉ क्या बोलता है वो रूल अप्लाई करेंगे। तो कौन से रूल से, वो आज हमने पढ़े, ये रूल्स हमने देख लिए, ये हमको अप्लाई करना है, ये सब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में इन सब बातों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को अच्छी तरह कवर करने के लिए अगले 3 लेक्चर जरूर देख लेना, लेक्चर नंबर 5 एंड 6 एंड 7।